आपको बता दें कि चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के गांव कैथल का सूरजपाल नाम की युवक तीली का काम करता है। जब देर शाम वह अपने पिता के साथ तगादा करके वापस घर लौट रहा था तो उसे गांव में घुसते ही प्रथमा बैंक के पास खाली प्लॉट में ले जाकर लूटपाट करने के बाद चाकू से गोद दिया, जिसके बाद उसे प्लॉट में ही छोड़कर भाग गए। पीड़ित के चाचा इंद्रपाल ने बताया कि गांव के ही 4-5 युवकों ने 21,000 रुपए लूटने के बाद सूरजपाल को चाकुओं से गोद दिया। सूरजपाल के पिता के शोर मचाने से गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC चंदोसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने पीड़ित की गंभीर हालत देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। कई लड़कों ने 3-4 से 5 जने थे और इन्हें इसे बैंक में पकड़ लिया था। ये तिली का काम करता है, इसमें 20-21,000 रुपये थे। अच्छा, वो पकड़ लिए, इसे रुपये छीन लिए, इसे छुड़ियों से खूब मारा है। हमें सूचना मिली, हमने 100 नंबर फ़ोन किया और बाकी वो बात देखा जाए। पकड़ कौन है आपके, कौन है ये बताइए। लगता है गाँव तो वो लोग पकड़े गए, भाग गए हैं। भाग गए वो तो। कौन, कितने लोग थे वो? वो 5 लोग थे। क्या नाम, कुछ नाम जान पहचानते हो आप? रिश्तेदार हैं हम तो, नाम 2-4 के जानते हैं। प्रशांत कौन? अच्छा, अब यहाँ से जो आपके भतीजे हैं उन्हें कहाँ के लिए भेज दिया गया है? रेफर कर दिया है। तो कैसी हालत रही है उनकी? गंभीर हालत है, बहुत नाजुक है। ये प्रशांत कौन पहले जी, और दिने रामोतार, और रामोतार चमन और सुनील, ये गांव के ही हैं। ये भी गांव के कैथल के ही हैं। ये कैथल का है एक लड़का, इसकी उम्र लगभग 25 साल है, इसका नाम सूरज है, और इसके लगभग 10 जगह चाकू लगे हुए थे और काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो हमने इसका फर्स्ट एड देखे और मेडिकल हील कर इसको जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफ़र किया गया है, क्योंकि ब्लड काफ़ी बह गया है, अभी भी बेहोशी की हालत में है, कंडीशन स्टेबल है। तो हमने 108 के द्वारा जिला अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया है। संभल से दस्तक टीवी के लिए सरफराज अंसारी की रिपोर्ट।